अफ्रीका महाद्वीप की पूर्वी तटरेखा पर एक देश है, टैंजानिया। इस देश का बड़ा हिस्सा अब भी अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। सेरेंगेटी का ये विशाल मैदान अपने खास इकोसिस्टम के चलते जानवरों की बहुत सी हैरान कर देने वाली किस्मों का घर है। पानी पक्षियों को भारी भरकम जीवों के घर की तरफ खींचता है। ग्रे हरन और येलो बिल्ड स्टॉर्क नदी में मछलियां पकड़ते हैं। हिपो का गोबर एक प्राकृतिक खाद है। ये खाद ऐसे पौधों के विकास को बढ़ाती है जिससे मछलियों को पोषण मिलता है, जिनसे बहुत से पक्षियों का पेट भरता है। विशाल नाइल मगरमच्छ बड़े मैमल्स का शिकार करने के लिए मशहूर है, लेकिन मछलियां उनके आहार का मुख्य हिस्सा है। फिश ईगल शुरुआती काम बड़े मैरबू स्टॉक पर छोड़ देता है। फिर बाद में तो बस झपटने का आसान सा काम बाकी रहता है। इस नदी के प्राकृतिक बांध का फायदा सब उठाते हैं। लेकिन पकड़ी हुई मछली मुंह से निकल भी सकती है। इम्पाला जैसे बड़े शिकार को पकड़ने के लिए नाइल मगरमच्छ को इंतजार करना पड़ता है। चारा चरने वाले जीव इसी इलाके के रहने वाले हैं। हरे भरे चारे के लिए इन्हें नदी पार करनी ही पड़ेगी। मगरमच्छ बिना हिले डुले पड़े रहते हैं। मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि वो शिकार को पानी में खींचकर उसे डुबो देते हैं। पानी की इस अनोखी दुनिया में ऐसे शाकाहारी जीव हैं जो मुसीबत की जड़ हैं। कम उम्र के नर और विशाल वयस्क हिप्पो के बीच जानलेवा मुकाबला हो रहा है। ये कोई शुरुआती चुनौतियां नहीं है, ना ही ये मस्ती मजाक है। बड़ा बूढ़ा नर ये बात अच्छी तरह से जानता है। अगर इसके जवान दुश्मन ने इसे हरा दिया तो इस बूढ़े नर का ओहदा घट जाएगा और जवान नर मादाओं पर अपना हक जमाएगा। मुकाबला करने वाले थक कर चूर हो गए हैं।
हिप्पोस को हमला करने में देर नहीं लगती। नर अपने इलाके बचाते हैं और मादाएं अपने बच्चों को हर उस अनजानी चीज से बचाती हैं जिनसे उन्हें खतरा लगता है। बच्चे वाकई कमजोर होते हैं। मादाएं अपने बच्चों को बचाने में जी जान लगा देती हैं, लेकिन कम उम्र के हिप्पोस के लिए ये पानी खतरनाक है। मुख्य नर अगर पड़ोसी इलाके की हद पार कर लेता है तो इसे बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है। बच्चे गुस्साए हुए नर से दूर ही रहें तो अच्छा है। माना जाता है कि हिप्पोस झुंड बनाकर रहते हैं क्योंकि इन्हें अपने बच्चों को मगरमच्छों से बचाना होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नजदीकी झुंड में ही तनाव और मुकाबले को इतना बढ़ा देती है कि कम उम्र के सदस्यों के लिए खतरा हो जाता है। शरारती बच्चों को पहरेदारी करती मादाएं अपने घेरे में रखती हैं ताकि वो नरों से दूर ही रहें। नर का सामना होने पर बच्चों वाली माएं अक्सर पूंछ हिलाते हुए गोबर करती हैं, ये घुटने टेक देने का इशारा है। इलाकों पर अपना हक जमाए रखने के लिए नर तेवर दिखाते हैं, गंध छोड़ते हैं और चुनौती भरी उबासी लेते हैं। मादाओं की लाख कोशिशों के बाद भी बच्चे झुंड के अंदरूनी झगड़ों के शिकार हो ही जाते हैं। मुकाबला करते दो नरों के बीच एक बच्चे के पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड होते हैं। पानी का स्तर जब कम होने लगता है तो तनाव बढ़ता है और बच्चों को हमले के बुरे नतीजों को भुगतना पड़ता है। गोबर और मूत्र को छिड़क कर मुख्य नर अपनी जीत और इलाके का दावा करता है। झुंड के जवान होते नरों को तब तक ही बर्दाश्त किया जाता है जब तक वो मुख्य नरों की हुकूमत को चुनौती नहीं देते, और अगर वो लड़ाई में हार जाते हैं तो नतीजे बहुत दर्दनाक होते हैं। और ये वो इनाम है जो दुश्मन को डरा देने पर या खदेड़ देने पर मिलता है। मादाओं से मिलन। मेटिंग के दौरान मादा पानी के अंदर रहती है और सिर्फ सांस लेने ऊपर आती है। 8 महीने में ये पानी के अंदर ही एक बच्चे को जन्म देगी। मगरमच्छों के झुंड भी हिप्पोस की तरह ही होते हैं। मेटिंग के लिए पहला हक सिर्फ मुख्य सदस्यों को ही मिलता है। नर और मादा कई दिन तक एक दूसरे के नजदीक आकर अपनी रजामंदी जताते हैं।
होड़ लगाने वालों को सब्र रखना पड़ेगा। मादा इशारा करती है कि वो तैयार है। मुख्य नर कई मादाओं के साथ मेटिंग कर सकता है, लेकिन नाइल मगरमच्छों का एक साल में एक ही साथी को चुनना काफी आम बात है। नर मुकाबला करने के लिए एक दूसरे पर हमला करते हैं। ये भारी भरकम रेप्टाइल्स तरह तरह की आवाज निकालते हैं और बड़ा सा मुंह खोलकर चुनौती देते हैं। ऐसी लड़ाइयां आमतौर पर इलाके के लिए होती हैं। नदी के किनारों पर इलाके के लिए लड़ने वाले जीवों में यहां सिर्फ मगरमच्छ और हिप्पोज ही नहीं हैं। झगड़ा इलाके के लिए हो रहा हो तो इजिप्शियन गीज मरने मारने पर आ जाते हैं। हिप्पोज लड़ाकू नहीं लगते, लेकिन ये दुनिया के सबसे ज्यादा गुस्सैल जीवों में से एक है। सिर्फ कुछ मैमल्स ही हैं जो बच्चों को पानी में जन्म देते हैं, जहां नाइल मगरमच्छ रहते हैं, और हिप्पोस उनमें से एक है। लेकिन इस बार वजह शिकारी नहीं है। हिप्पो गुस्से में अपने ही साथियों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। वयस्कों के मुकाबले में नवजात बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। बच्चे ज्यादातर अपनों के ही शिकार बनते हैं। शिकारी इकट्ठा होते हैं। मां की ममता मदद नहीं कर सकती। घाव जानलेवा है। बस अब एक ही सवाल रह गया है, इनाम किसे मिलेगा? इस मादा के ज्यादातर बच्चे अभी अंडे से निकले ही नहीं हैं, और शिकारी उन पर अपना हक जमाने लगे हैं। मॉनिटर लिजर्ड की रफ्तार तेज है। बच्चों को पानी तक पहुंचाने के दौरान इस मादा मगरमच्छ के घोंसले को खतरा है। बच्चों की पहरेदारी करती मादाओं को येलो बिल्ड स्टॉर्क्स का आना अच्छा नहीं लगता। मछलियां खाने वाले स्टॉर्क्स बच्चों का शिकार कर सकते हैं, अगर पहरेदार ना हो तो। लेकिन ये स्टॉर्क भी जिद पर अड़ा है।
खाना मजेदार है लेकिन जोखिम मोल लेना ठीक नहीं। हिप्पोज के झुंड में घायल बच्चे की ताकत खत्म हो रही है। बेचारी मां के बस में कुछ भी नहीं। पानी की दुनिया में सब बराबर हैं। घायल बच्चा पानी के अंदर आ जाता है। मां को मार खाए अपने बच्चे को जमीनी शिकारी से दूर पानी में रखना है, लेकिन उसे मुख्य झुंड के भी ज्यादा नजदीक नहीं होना चाहिए। उथले पानी में भी बच्चा मुसीबत में ही है। अगर खड़ा नहीं हो पाएगा तो सांस कैसे लेगा? मुंह में बच्चों को भरे एक और मां को खुद की जान बचाने के लिए ममता का गला घोंटना पड़ेगा। इसका मुकाबला अपने बच्चों को बचाने वाली एक दूसरी मां से ही है। पानी का स्तर कम होने पर मुकाबला बढ़ता है, क्योंकि तब मगरमच्छ कम जगह में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नाइल मगरमच्छ के जबड़े दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जबड़ों में से एक हैं। साइज में बड़े जीव हमेशा फायदेमंद रहते हैं। जिंदा बच्चों की जान को खतरा है, लेकिन उनकी पहरेदारी भी अच्छी तरह हो रही है। पानी का कम होता स्तर हिप्पोज में तनाव और झगड़ों को बढ़ा रहा है। माँ खुद को जान बचाते बच्चों और झुंड के उन सदस्यों के बीच रख सकती है जिनसे उन्हें असल में खतरा है। वो हार नहीं मानेगी। जो ज्यादा नजदीक आने की कोशिश करेगा उसे खदेड़ दिया जाएगा। मगरमच्छ नजदीक आ रहे हैं, लेकिन एक खास दूरी बनाए रखते हैं। बच्चा अपनी लड़ाई हार चुका है। मां पहरेदारी कर रही है और मगरमच्छ अपनी मौजूदगी जताते नहीं है। बच्चा खो देने के बावजूद इस मां की ममता मगरमच्छ को नजदीक नहीं आने देती।
वो कई घंटों तक अकेले पहरेदारी करती रहती है। इस मां को ये दुख भूलना होगा। वक्त के साथ साथ देखभाल करने के लिए इसके पास दूसरा बच्चा होगा। अब आगे बढ़ना होगा। आखिरकार मां शव को छोड़ देती है और पानी की दुनिया में उस आखिरी दृश्य की शुरुआत होती है जिसे होना ही है। पानी की अनोखी दुनिया में नदी के बड़े जीव मुकाबला करते हैं। ताकत की आजमाइश जोखिम भरी और खतरनाक होती है और सेरेंगेटी की इस खूबसूरत जानलेवा दुनिया में बड़े होते बच्चे लड़ाई के पैंतरों को जितना जल्दी सीख लें उनके लिए उतना ही अच्छा है।